आते हैं, इसमें किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इसको किस प्रकार से हम पहचान पाएंगे कि आर्थ्रोपोडा संघ है या अदरवाइज संघ है। ये सबसे बड़ा संघ होता है जिसमें 10 लाख जंतु आते हैं, लगभग मान लीजिए 75% आते हैं। तो 75% जंतु के बारे में आज को हम तुरंत क्लियर करा देंगे, मात्र 2 मिनट के वीडियो है इसमें, और इसी में और आगे भी बताएंगे जैसे एनेलिडा संघ क्या होता है, इसको भी जोड़ देंगे, और साथ साथ में जितना हो सके माने 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा देने की चेष्टा करेंगे कितना हो पाता है। तो सबसे पहले जानिए आर्थ्रोपोडा संघ। तो आर्थ्रोपोडा संघ में लगभग 10 लाख की बात है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का यानी 75% जीव तो इसी में आ जाते हैं जो आपको आर्थ्रोपोडा संघ में पढ़ना होता है। इसमें जो ये रहता कहा जो मृदु जलीय जीव में रहता है, यानी मृदु जलीय मीठा जल जहाँ पे रहता है, मृदु किसको कहा गया है, मीठा जल को, है ना। तो जितना मीठा जल रहता है उसी के समीप में ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा संघ। क्या आर्थ्रोपोडा संघ, इसकी मुख्य पहचान है कि इसमें बाह्य कंकाल पाए जाते हैं, यानी कंकाल जो पाया जाता है बाहरी रूप से कंकाल पाया जाता है। जैसे आप कछुआ देखोगे तो कछुआ में क्या होता है कि बाहरी कंकाल रहता है, लेकिन वो मृदु जल में नहीं पाया जाता, वो हैचर है। वो हैचर के बारे में एनेलिडा संघ में पढ़ेंगे, वो हैचर है, लेकिन कंकाल आपको मिलता है उसमें बाहर कंकाल रहता है, हड्डी बाहर रहता है। तो उसी प्रकार से जितना भी इसमें जीव हम देखेंगे उसमें बाहरी हड्डी रहेगा, बाहरी हड्डी है ना। इसमें कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ना होता है, कीड़े मकोड़े याद रखेंगे, इसमें कीड़े मकोड़े जितना आता है वो सब के बारे में जानना होता है। यानी 75% पृथ्वी पर जितना जीव जंतु है उसमें 75% आ जाते हैं जिसमें कीड़े मकोड़े होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी मुख्य बात क्या है, इसमें हड्डी जो होता है बाहर होता है, बाहर हड्डी होता है, और इसमें रक्त पाया जाता है, इसमें ब्लड होगा, ब्लड पाया जाता है। जैसे आप देखिए मक्खी, तो मक्खी के देखेंगे तो मक्खी जैसे मक्खी पे खाना बैठता है, जैसे कभी शरीर पे आपका घाव पे बैठा, आपने चट से मार दिया तो देखेंगे उस पर छप जाता है, तो उसके बाहर कंकाल जो रहता है दिखाई पड़ता है। अच्छा उसमें नहीं देखोगे, मच्छर को देखोगे तो मच्छर काटता है, मच्छर सबसे ज्यादा किस आदमी को काटता है, ऑप्शन ए शादी विवाह हो गया जिसको या शादी विवाह नहीं हुआ जिसको। तो राइट आंसर आप एक बार सोचिएगा, जिसको शादी विवाह नहीं हुआ उसको काटेगा, क्यों, क्योंकि देखिए जिसका शादी ब्याह हो जाता है उसका चिंता फिक्र जाने पड़ा रहता है कि 3 बार मैडम के लिए पीठी का खर्चा उठाना है, 2 बार साड़ी का खर्चा उठाना है, बेचारा जिंदगी टेंशन टेंशन में, तेरे बिना जब सूना सूना लग गए बेचारे का जिंदगी में सूना सूना लगता है, उसका शादी ब्याह नहीं हुआ है तो आराम से मस्त मगन है, तो मच्छर को सोच के काट रहे काटो रे, एक में भी हिम्मत है इसलिए काटता है। तो मच्छर को देखिएगा ना, तो मच्छर को जब काटता है उसको मारेगा तो छिपा जाएगा, तो उसको बाहर देखेंगे तो चीना पड़ जाएगा, तो ये बाह्य कंकाल पाया जाता है। लेकिन मच्छर का कैपेसिटी ये कितना है जी, मारे तो मर जाएगा ना, हड्डी क्या करता है, बाह्य हड्डी तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, कोई भी चीज जिसका कवर होता है उसको सुरक्षा प्रदान काम करने का करता है। लेकिन इसकी ये जीवे देखिए इतना उसका शरीर बनेगा जितने ना काम कर पाएगा, उसका छोटा संरचना आप मारते मर जाता है ना। जब किसी और बड़े चीज को मारेंगे तो जैसा वो टिकेगा भी, तो मच्छर को पहले एक बार मारेगा तो मटीरियल रहता है सुना मारा है ना छूटा भी मारा भी फट से आके काट लिया, बड़ा तेज बनता है सुना मार देता है हमको, तो इसीलिए दोबारा काटता है। यानी मच्छर में जो होता है बाहर कंकाल पाए जाते हैं बाहरी, और इसको मारेंगे तब खून निकलेगा। कहते हैं कि मच्छर ने काटा या उसका जुनून था, मच्छर ने काटा या उसका जुनून था, आप चाह के भी ना मार सके क्योंकि उसके देह में आपका ही तो खून था, आपका ना खून है तो कैसे मारेंगे, खून मारे एक संतान होता है ना समझिएगा आपका बाल बच्चा, खून है तो उसको आप नहीं मार सकते हैं। उसके बाद तितली देखेंगे, तितली आप लोगों ने पकड़ा भी होगा, तो तितली में भी बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। तितली आप तितली जो कैसे बनता है, पैसे लार्वा प्यूपा ऐसे करके धीरे धीरे बनते रहते हैं, तो इसमें इसके जीवन काल में कई रचनाएं होते हैं, यानी जितना आर्थ्रोपोडा संघ होता है इसके जीवन काल में कई रचनाएं होते हैं, उसके बाद ही व्यास को पाता है। तो ये तितली में भी बाहर कंकाल पाया जाता है। भ्रीन भ्रीन देखें, तिलचट्टा देखें तिलचट्टा, अरे घर में तो तिलचट्टा कम से कम देखा होगा, तो उसमें देखिएगा बाहरी रूप से कवर होता है, उसको पकड़िए उसको छुएगा तो रुखड़ा रुखड़ा रहेगा, उसका बाहरी बाहरी हड्डी रहता है। तो ये तिलचट्टा हो गया, ये तो आप देखोगे हुरहुर्रा हुरहुर्रा देखें, हुरहुर्रा ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे जो रहता है उसमें ढेर सारा ऐसे रहता है ना हुरहुर्रा, तो इसमें भी देखेंगे तो ढेर सारा रहता है जो चलता है, तो इसमें भी बाल कंकाल पाया जाता है। तो इसमें बाल कंकाल पाया जाता है, और याद रखेंगे एक लिंगी होता है, इसमें एक ही लिंग होते हैं, एक लिंग होते हैं, तो इसका जो एक लिंगी होने के कारण इसका मादा पोर्शन अलग होगा और मेल का पोर्शन अलग होता है, अलग अलग होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आर्थ्रोपोडा संघ क्या होता है। तो इसमें ये उत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है, तो मेल पीरियड के नलिकाएं होते हैं उसके द्वारा उत्सर्जन करता है, इसमें संरचना पाया जाता है। परिसंचरण किसके द्वारा होता है, परिसंचरण का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे जो सर्कुलेट करता है, तो इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आपको बायोलॉजी में इस सवाल पूछता है इसमें किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, केकड़ा मेढक आदमी, तो केकड़ा होगा, केकड़ा में बाहरी पाया कंकाल पाए जाते हैं, इसमें इसका जब परिसंचरण है बाहरी से होगा बाहर से, क्योंकि बाहरी इसका कवर है तो बाहर से होने वाला है। तो आई होप ये जान गए होंगे, अब इसके जस्ट आगे हम लोग सीखते हैं।
आर्थ्रोपोडा तक हम लोग देखे थे, आप जानेंगे मोलस्का की पहचान कैसे करते हैं। मोलस्का तो मोलस्का में क्या होता है, इसका पहले पहला चीज है कि इसका शरीर अखंडित होता है, मतलब इसको दो हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं, दो हिस्सा इसको कभी बराबर बांटी नहीं पाएंगे, इसलिए इसका शरीर अखंडित होता है। ये पहला इसकी पहचान होती है। ये जल में मिलते हैं ज्यादा, ये कहाँ रहते हैं तो जल में पाए जाते हैं, ये ज्यादा समुद्र में नहीं है तो सबसे ज्यादा समुद्र में पाया जाता है मोलस्का। ऐसे भी जितना जल का सबसे बड़ा स्रोत होता है समुद्र होता है, ये समुद्र में ही पाया जाता है। इसमें कोमल झिल्ली रहता है, जो पहले आवरण रहता है इसका अंदर जो होता है ना, अंदर इसका कोमल झिल्ली रहता है, गुदेदार होता है अंदर। जैसे आप देखेंगे मूसल को कभी देखें घोंगा, तो घोंगा के ऊपर क्या रहता है, कवर रहता है, वो कवर जो रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। ये याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, यहाँ पे मैंने लिखा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे इसमें कवर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो घोंगा खाया जाता है, गठिया का अगर रोग हो गया, जैसे गठिया पकड़ लेता है हड्डी में प्रॉब्लम होता है, ज्वाइंट काट होता है संधि वहीं पे प्रॉब्लम कर देता है, मैंने कच कच का आवाज होने लगता है, क्रिक क्रिक हो जाता है, तो आदमी को बहुत प्रॉब्लम करता है, चलने ही नहीं देता, न उठने देता ना बैठने देता, कहता पूरा उठी में नहीं बैठने देता, कभी कभी जवानी में कहा होता है भी नहीं बैठने देता गठिया रोग होता है। तो गठिया रोग में घोंगा खाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहला चीज इसका शरीर अखंडित है, दो हिस्सों में नहीं बांट सकते, ये कहाँ पाया जाता है समुद्र में पाया जाता है, और इसकी जो मुख पहचान इसकी ऊपर में कवर होता है, ऊपर में कवर पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये जल होता है, ये एक लिंगी होता है, कोई कोई द्विलिंगी भी होता है, लेकिन ये खास करके एक लिंगी होता है। इसमें श्वसन क्रिया गिल्स द्वारा होता है, जैसे मछलियों में आप देखते हैं यहाँ गिल्स होता है, तो इसमें भी गिल्स होता है, और इसमें गिल्स द्वारा अपना श्वसन क्रिया को कर संपूर्ण करता है, एक लिंगी होता है। जैसे ये घोंगा आपने अभी जैसे सुना, ऐसे होता है ऑक्टोपस जो समुद्र में पाया जाता है, ऑक्टोपस देखेंगे ना तो इस तरीका का ऑक्टोपस रहेंगे, बहुत ऐसे रहेंगे, इसमें खाली मांसपेशियां रहते हैं, एकदम कोमल झिल्ली माने खाली मांसपेशियां रहेंगे, है ना। लेकिन इसको जब चाइना वाला जब पकड़ते हैं ना, तो इसको जब काटते हैं तो काटने के बाद भी इनकी कोशिकाएं जिंदा रहता है, जैसे खाओ रहा गला फंस गया, अरे फंस गया तो ऐसे हट दिया तो आदमी हट देता है, मैंने मर जाता है। चाइना का भी ऑक्टोपस को खा जाता है, लेकिन ऑक्टोपस की क्या खासियत है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब पानी में जब इसको दबचुप से लपेट रहता है, जब इसका शिकार आता है ना, तो एक गंध से पकड़ लेता है कि आ गया, तो जैसे आदमी गया तो उसका स्मेल बता देता है कि जैसे आदमी है या जीव जंतु, तो चुप से ले जाता है उसको जकड़ लेता है, और उसमें ऐसे ढेर सारे होते हैं ऑक्टोपस तरीके के, ऐसे ढेर सारे उसके मांसपेशियां रहेंगे, उसमें जाता है और इसको पकड़ कर सीधा जैसे अजगर एंड देता है आदमी को, उस तरीका से इसको एंड क्या उसको खा जाता है ये ऑक्टोपस। क्या ऑक्टोपस घोंगा को देखे होंगे तो खेत में पत्ता उत्ता कीड़े मकोड़े ऐसे खाते रहते हैं, लेकिन ये आदमी तक के खा जाता है, लेकिन चाइना वाला ये ऑक्टोपस में के खा जाता है, जो आदमी के खाता है आदमी ओकरे खा जाता है चाइना में ऑक्टोपस। एक बार ऐसे देखिएगा सीप, सीप का प्रयोग देखोगे कि हम लोग गांव देहात में बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे खीरा छीना आता है वो सीप मिलता है, नदी में कभी आता है ना तो सीप रहता है, उसको क्या करते बिछवा से सब फोड़ के बाद छिलिए का दूध दम छीना का मजा कर देता है आदमी, तो छिप रखता है बड़ा से बचपन में क्या करता है आदमी, जब आम छीनने के बाद तो सीप पास आराम से छीन लेता है आम, पीछे फोड़िए ऐसे होता है जैसे, और इसको खड़े पीछे में ऐसे कवर जैसे फोड़ दीजिए उसको पकड़ के छिलिए। ये सीप ये भी सीप एक ऐसा समुद्रीय जीव है जो मोलस्का में आता है, जीव है उसका क्या ये कवर है। जैसे आप शंख देखे होंगे तो शंख क्या, शंख एक समुद्रीय जीव है, उसमें क्या होता है जीव का सड़ जाता है मांस तो खोखा पा जाता है, जैसे घोंगा का देखेंगे तो जब घोंगा की मृत्यु हो जाती है मैंने उसका मांस खत्म हो जाता है तो उसका केवल एक कवर बचता है, जो ऐसा आप देखते होंगे तो उसको आप लाठी से छूर देते होंगे तो तभी आपको गाड़ भी जाता होगा, क्योंकि इसका ये क्या है हड्डी के होता है, हड्डी जो बाह्य कंकाल रहता है, बाह्य कंकाल इसमें पाया जाता है जो आपको छेद देता है। तो मोलस्का जीव में है जो इस तरीका से हृदय होता है, और हृदय को सुरक्षा देने के लिए हृदय आवरण होता है, जैसे आपका दिल है तो दिलवा जो धड़क रहा है इसके लिए तो बाहर से आवरण है, अगर इसको ऐसे मार देंगे जोर से तो मर जाएगा, इसके लिए क्या है एक छाती का हड्डी होता है ना पसली, ये पसली आपको सुरक्षा देता है, मारेंगे तो ये चोट को रोक लेता है, अन्यथा इतना जोर से मारेंगे तो दिल चल देगा, है ना, छोड़ चले अब चिंता के सहारे हो जाएगा। तो ये होता है मोलस्का, ये होगा मोलस्का समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम जानेंगे एनिलिडा संख्या होता है, एनिलिडा संख्या प्रकार और उसका किस प्रकार से प्रयोग होता है। अब जेलीफिश का आता है आगे एनिलिडा संख्या, एनिलिडा संख्या होता है तो सबसे पहले इसका पहचान होता है कि इसका शरीर द्विपार्श्व होता है, द्विपार्श्व मतलब दो हिस्सों में अलग अलग बांट सकते हैं, इसको बोलते हैं द्विपार्श्व शरीर, यानी इसके दो हिस्से हो सकते हैं। ये कहाँ पाया जाता है तो स्थल और पानी दोनों में पाया जाता है, यानी जमीन पे भी होता है और स्थल पे भी होता है, यानी मृदु जल जहाँ पे रहता है वहाँ आ जाता है, या लवण जहाँ पे जैसे चापाकल है वहाँ पे बार बार पानी गिरते रहता है, तो वहाँ पानी के संपर्क से क्या होता है गीला हो जाता है, और वहाँ पे जैसे नमक अंश जाता है तो लवणीय हो जाता है, यानी यहाँ
लवण जहाँ रहेगा वहाँ पे ही हो जाता है, या तो ज्यादा पानी रहता है गीला रहता है वहाँ पे ही हो जाता है, या तो पानी जहाँ रहेगा वहाँ पे ही होता है। कौन सा तो एनिलिडा संघ, कौन सा संघ एनिलिडा संघ, इसकी मुख्य परेशानी होता है कि नामा स्थान पे रहता है, हमेशा नमी जहाँ पे रहेगा वही पे रहेगा, सूखा स्थान पे बहुत कम रहता है, गीला स्थान पे ज्यादा रहना पसंद करता है, सबसे ज्यादा गीला नहीं तो पानी, गीला दीजिए नहीं तो पानी दीजिए, ये दो स्थान पे रहता है। उसके बाद इसका शरीर होता है वास्तविक देह हुआ पाया जाता है, इसमें वास्तविक रूप से आप सारी चीज को देख पाएंगे, इसका जैसे इसमें सारी चीज श्वसन क्रिया का, उत्सर्जन क्रिया का, तंत्रिका रज्जु का, सारी चीज में पाया जाता है, ब्लड फ्लोइंग सारी चीज होते हैं। तो ये कैसा होता है, इसका जो प्रचलन है सुख होता है, सुख क्या बोलते हैं जो हम बताएंगे आगे जस्ट डीसी में बताएंगे। और ये कैसा होता है, एक लिंगी होता है, एक लिंगी भी होता है, वैलिंगी भी होता है, वैलिंगी क्या रखते हैं, जैसे नर और मादा दोनों रहते हैं वैलिंगी कहलाता है, नर और मादा दोनों रहेगा वैलिंगी कहेंगे, उसमें एक रहेगा एक लिंगी जिसमें दोनों रहेगा द्विलिंगी, है ना, द्विलिंगी वैलिंगी, द्विलिंगी से का मिलता जुलता होता है वैलिंगी, मान लीजिए वही होता है। तो जैसे आप देखोगे नेरिज, नेरिज क्या कहते हैं, तो नेरिज उसको कहते हैं चेणा, चेणा यानी केचुआ, केचुआ देखे ना, चेणा किसको बोलते हैं, गांव में आपने केचुआ बोलता है, आप लोग बचपन में हो रहा है चेणवा से कहते होंगे, मछली फंसा था आसाए होंगे, चेणवा को लाते होंगे तोड़ के बंसिया में डाल के ऐसे पानी में डाल के खींचते हैं, फचा फचा मछलिया उसको खाने के लिए आता है, आप फंसा के सुरा के बाहर ले जा देते हैं, है ना। तो चेणा देखे ना, केचुआ, केचुआ, केचुआ कोई किसान को मित्र कहा गया, क्यों कहा गया, वो केचुआ जो होता है दिन भर में 8 बार नीचे जाएगा और 8 बार ऊपर आएगा, इसके यही काम रहता है। तो इसी का होता है मिट्टी का होता है, ऊपर नीचे होते रहता है, जिसमें नाइट्रोजन पूर्ण रूप से आ जाता है, तो फसल इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको किसान का मित्र कहा गया है। आजकल तो नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि खाद होता है ना, तो उर्वरक से इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण फसल भी अच्छा नहीं होता है, लोग समझ रहे हैं खाद ज्यादा उगा रहे हैं, खाद उगा रहे हैं, अरे केचुआ जो उगा के देना था उससे ज्यादा आप कभी नहीं उगा पाएंगे, प्राकृतिक रूप से आप केमिकल दे रहे हैं, तो केमिकल आपको को तो आप ज्यादा दे देता है, जैसे एक खेत देना चाहिए उसमें 2 केजी खाद दे देता है, 3 केजी खाद, तो कहा एक केजी आपका खेत में बेच जाता है, अनपढ़ आदमी को कौन समझ आए कि 1 केजी बेच जा रहा है, हाँ आलू सिखाई बेच जा ज्यादा करना काम करवे, लेकिन ऐसा कुछ ना हो। अब जैसे आपको चाहिए 4 रोटी, आपको दे देगा आपको 6 रोटी, तो खा पाएंगे, 2 रोटी थरी में छूट जाएगा तो फेंका ही ना गया, अरे मान लीजिए माई खाए वाला झूठा था खेत में, माई खाए वाला ना ना तो फेंका जाएगा, लेकिन अनपढ़ आदमी बताया को समझता कहा नहीं समझता तो अंगून फेंक देता है। केचुआ जो होता है, केचुआ में क्या होता है, इस प्रकार का संरचना होता है, ऐसे केचुआ देखोगे तो यहाँ पे एक सुंडी होता है, सुंडी का मतलब कि इधर एक तरफ से नर रहता है एक तरफ से मादा रहता है, केचुआ में कुल 8 दिल होते हैं, कितने दिल होते हैं 8 दिन, इसमें 8 गोदान, यानी 4 इसको 4 इसको 3 टोटल 8 हो गए। तो यहाँ से कब चलना करता है, तो यहाँ पे बीच में अपने शरीर को ही मोड़ देता है, तो जहाँ पे मोड़ता है उसको ही बोलते हैं सुंडी, जहाँ पे मोड़ता है उसको सुंडी बोलते हैं, और जैसे यहाँ पे आ गया तो फिर आगे वाला पुशअप करता है, फिर आगे से पुशअप करता है, मैंने इसमें मेल और फीमेल जब मर्दनमा बोलता है जब इधर से ठेलाता आगे बढ़ाता नहीं तो ठेला तो आगे बढ़ा, ठेलाता आगे बढ़ा, तो ऐसे ठेलता आगे बढ़ता है, ठेलता आगे बढ़ता है, तो यही जहाँ पे संकुचन होकर फूल जाता है इसको ही बोलते हैं सुंडी। तो ये कहाँ रहता है, केचुआ का, और सबसे बड़ा फायदा रखेगा क्या, पिंपल्स होता है सब आदमी को, जब जवान नहीं आएगा तो किशोरावस्था में, तो उसमें जो आता है ना जहाँ पे पिंपल्स, वहाँ पे एक बार अगर केचुआ खा जाता है ना तो फिर दोबारा नहीं आता, इसमें सलाइवा आता है जो आपको ठीक कर लेता है, एक बार अगर केचुआ खिला दिए तो ठीक। और इसे भी देखा होगा कि घाव ऊपर जब एक बार झोंक जाओ घाव पे बैठ गया समझ लिए वहाँ पूरा रिम उम चूस के खत्म, फिर अगले दिन से सूख जाता है, साफ खत्म करवा दिया फिर, ऐसा होता है। तो इसी को बोलते हैं समुद्री चूहा, एक देखिएगा, अब चूहा ऐसा नहीं होगा, जो सा चीज रहेगा वो भूसा के दिखाने होता है, जैसे दरिया में घोड़ा तो घोड़ा नहीं होता है, स्टार फिश का फिश नहीं होता है, तो जो चीज में कुछ रहेगा वो ऐसा होता नहीं है, जैसे आप समझ रहे होंगे चूहा, तो चूहा जैसा नहीं होता है, आप कभी देखिएगा इसको समुद्री चूहा, जैसे समुद्री खीरा, तो खीरा नहीं होता कि आप खाए वाला खीरा, वो अलग सा चीज होता है, एग्जाम्पल में फोटो आपको दिखाएंगे बगल में, फिर आपका हो जाता है एक केचुआ जोक, तो देखे होंगे जो भैंस उसका लटक जाता है, जो खून चूसने का काम करता है वो हमेशा खून ही चूसता है, तो ये जो ये सब सब एनिलिडा संघ में आते हैं, इसमें सारे चीज पाए जाते हैं जो इस प्रकार का होता है। आई होप आप इतने समझ गए होंगे, और इसके जस्ट आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।